तो अब मैं आ गया हूँ मेहंदीपुर बालाजी से थोड़ा सा आगे एक मंदिर है जिसका नाम है बर्फानी धाम। ये मंदिर अभी बन रहा है तो यहाँ पर अभी इतनी भीड़ नहीं रहती है, पर यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा है और शान शान सा फील हो रहा है। तो फिर मैं इस मंदिर के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि इसके गेट पर तो बहुत सारे एडवांस फीचर्स लगे हुए हैं। फिर मैंने राम जी के, सीता जी के, लक्ष्मण जी के और हनुमान जी के दर्शन करे वहाँ पे। और यहाँ पर सोने के शिवलिंग है जो कि पूरे इंडिया में केवल एक है। फिर तो बर्फानी धाम से निकलने के बाद अब मैं जा रहा हूँ चांद बावरी, और रास्ते में ये सरसों के खेत देख के मुझे बिल्कुल गांव वाली फील आने लगी, क्योंकि शहर वालों के लिए सरसों के खेत देखना भी एक बहुत अच्छी वाइब होती है। तो यही सब गांव के नज़ारे देखते देखते मैं पहुंच जाता हूं चांद बावरी। तो 30 रुपये का टिकट लेके मैं चांद बावरी में एंटर होता हूं, और सबसे पहले मैं मुंह धोने का डिसाइड करता हूं, क्योंकि बाइक चलाते चलाते मुंह पे बहुत ज़्यादा डस्ट लग गई थी। पहले मैं हर्षद माता के दर्शन करने के लिए चला जाता हूं। ये जो हर्षद माता जी का मंदिर है ये एक पूर्व मुखी है, मतलब कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो डायरेक्टली मूर्ति पर आती हैं सनराइज से लेके सनसेट तक। तो ये हर्षद माता की प्रतिमा है, और जो ओरिजिनल प्रतिमा थी वो पहले ही चोरी हो गई थी मुगल इम्पीरियर के टाइम पे, क्योंकि वो नीलम के पत्थर की बनी हुई थी और आप जानते हैं नीलम का पत्थर कितना ज्यादा कीमती होता है। तो फिर मैं चल पड़ता हूँ चांद बावरी में जाने के लिए। तो अब मैं आ गया हूँ चांद बावरी में। इस जगह को कहते हैं 12 द्वारी, मतलब कि 12 दरवाजे, क्योंकि आप भी यहाँ पर देख सकते हैं मेरे आसपास में कि यहाँ पे 12 दरवाजे अलग अलग बने हुए हैं। और फिर ये जो भैया हैं ये मेरी टिकट चेक करके मुझे अंदर जाने की एंट्री देते हैं। चांद बावरी राजा चांद ने 9th सेंचुरी AD में बनवाई थी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी बावरी में आती है। बावरी को हम इंग्लिश में स्टेपवेल भी कहते हैं, जो कि यूज की जाती थी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, और इसके अंदर बॉलीवुड की मूवीज की शूटिंग भी हुई है और हॉलीवुड की मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि पहेली, बैटमैन, ऐसी फिल्में यहाँ पर शूट की गई हैं। और इन सीढ़ियों के लिए ये कहा जाता है कि अगर आप इन सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तो वापस आते टाइम आप उन सीढ़ियों से नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप नीचे जाते हैं तो ये एक ओपन भूल भुलैया बन जाती है और आप उन सीढ़ियों से वापस ऊपर नहीं आ पाते हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इसको मुगल गैलरी कहते हैं, क्योंकि इस बावरी पर बहुत बार हमले हुए हैं, तो ये मुगल्स के कंट्रोल में जब था तो ये ऊपर की साइड बनवाया गया था। बावरी के राइट साइड में गणेश जी का पिलर है, और सामने ये महल है जिसमें रॉयल फैमिली बात लेती थी। और फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपनी नेक्स्ट विजिटिंग डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए। तो अब मैं आ गया हूँ चूलगिरी टेम्पल में। ये एक बहुत ही फेमस जैन टेम्पल है जो कि पहाड़ों के ऊपर स्थित है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है, और मैं अंदर की साइड जा रहा हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ मुझे पता चलता है कि यहाँ पे कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और मेरा फोन जो है वो बाहर रखवा लिया जाता है। तो मैं अंदर जाके दर्शन करके आता हूँ, मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। दर्शन करने के बाद जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो ये बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, और यहाँ से पूरा जयपुर देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा व्यू आता है सनसेट टाइम पे, जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। पूरा जयपुर यहाँ से देखने को दिखता है, पूरा जयपुर हम यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है, ये व्यू मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करवा रहा है और बहुत अच्छा फील करवा रहा है। और फिर मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ अपने घर के लिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।